Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नागालैंड इंडिया का 16वां राज्य है और इसे 1 दिसंबर 1963 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नागालैंड में 17 ऑफिशियली रिकग्नाइज ट्राइब्स हैं और इनमें से एक यूनिक ट्राइब है कोन्याक्स, जिनको हेडहंटर्स के रूप में जाना जाता है। कोन्याक्स लास्ट ऑफ द टैटूड हेडहंटर्स में फेजिन कोन्याक लिखती है कि ये ट्राइब जो नागालैंड के इंटीरियर्स के मॉन डिस्ट्रिक्ट में रहता है, जब अपने प्रतिद्वंदी पर हमला करते थे वो उनका सर फाड़ कर ले आते थे और ये उनमें एक परंपरा थी। जो भी योद्धा ऐसे सर ले आता उसे काफ़ी प्रशंसा और इज्जत मिलती। ये सर फिर योद्धाएं अपने घरों के दीवार और दरवाजों पर गर्व से प्रदर्शित भी करते थे। द लास्ट कोन्याक हेडहंटर्स में लिखा गया है कि कोन्याक्स मानते थे कि इंसान का सिर एक दिव्य या रहस्यमय शक्ति का उत्सर्जन करता है जो समृद्धि लाएगा और फसल को भी लाभ पहुँचाएगा, और इसलिए ही हर कोन्याक आदमी के लिए हेड हंटिंग मैंडेटरी था। इस ट्राइब के मेंबर्स ऐसे हर सिर फाड़ने वाले घटना को अपने शरीर पर गुदवाते थे। उसमें हीरे या लोजेंस के आकार में टैटूज बनवाए जाते थे। रेड सेदार नाम के पेड़ से इंक बनाकर ये टैटूज बनवाए जाते थे। टैटू पहले चेहरे, गर्दन और फिर शरीर के बाकी अंगों पर गुदवाया जाता था। फेजिन अपनी किताब में बताती है कि टैटूज एक इंसान की उस ट्राइब में स्थिति, जीवन स्तर और उपलब्धियों को दर्शाता है। टैटूज बस आदमी ही नहीं, औरतें भी गुदवाते थे। लड़कियों में ये प्रथा 8 से 10 की उम्र से शुरू किया जाता था और उनके डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे और बस हाथ पैरों तक ही सीमित थे। आदमियों में ये प्रथा करीब 13 से 15 साल की उम्र में शुरू की जाती थी। 19th सेंचुरी तक नागास का बाहर की दुनिया से ऑलमोस्ट जीरो कॉन्टेक्ट, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ डटकर लड़ाई भी करी, लेकिन आखिरकार ब्रिटिश शासन के सामने वो हारे। और इसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज के आने से बहुत लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। नागास द लास्ट हेड हंटर्स ऑफ इंडिया में लिखा गया है कि हेड हंटिंग कोन्याक ट्राइब के प्रतिष्ठा का एक अभिन्न अंग था, और कोई भी आदमी किसी ऊंचे दर्जे के औरत से शादी या अपने ट्राइब में एक ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकता था अगर उसने कभी हेड हंटिंग नहीं किया हो। लेकिन अब हेड हंटिंग नहीं किया जाता है और इसका लास्ट रिकॉर्डेड उदाहरण है 1990s में। लेकिन कोन्याक्स लास्ट ऑफ द टैटूड हेड हंटर्स में फेजिन कोन्याक, जो इस ट्राइब की सदस्य है, लिखती है कि कोन्याक ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले आखिरी नागा जनजाति थे जो 1970 तक हेड हंटिंग का अभ्यास करते। फेजिन अपने किताब में लिखती है कि उनके परदादा आहोन ने ही ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर हेड हंटिंग के प्रथा को खत्म करने में मदद की, ताकि आपस में लड़ाई कर रहे जनजातियों के बीच शांति लाया जा सके। लेकिन हेड हंटिंग प्रथा के साथ उनके कई और ट्रेडिशंस, जैसे गोटना या टैटू बनाना, उक्ती परंपरा या ओरल ट्रेडिशन भी धीरे धीरे खत्म हो गए। क्रिश्चियनिटी की वजह से आधुनिकता तो आ गई, लेकिन बहुत हद तक इसके वजह से पुरानी बहुत सारी परंपराएं भी खत्म हो गई। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट था गोटना। कोन्याक्स एक ज़माने में रंग बिरंगे मनका ज्वेलरी भी पहनते थे जो अब ऑलमोस्ट विलुप्त थे। अब हेड हंटिंग बस उनके किस्सों और यादों का हिस्सा है। मेरा नाम टीना दास है, और अगर आपको नॉर्थ ईस्ट पर नज़र का 3रा एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करें। नमस्कार।